तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इंडिया के यूट्यूबर्स कितना पैसा कमाते हैं। एक महीने में कितना कमा लेता है? करोड़ से ऊपर। इनसेन सैलरीज, आवर सैलरीज आर वे बेटर देन सीए। इसको 13 लाख रुपए मिलेंगे, गेम खेल लेंगे। कमरे में बैठा है, वीडियो बना रहा है, पैसे कमा रहा है। एक 4-5 वीडियोस का बल्क अमाउंट आया हुआ था एक बारी में, था 40-50 प्लस था। एंड ये इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि सिर्फ 8 से 10 साल पहले की बात करें तो यूट्यूब को एज अ हॉबी की तरह माना जाता था, ज्यादा से ज्यादा एक साइड हसल बोल देते थे, जहाँ ज्यादातर लोग अपने खुद के लिए, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए वीडियोस बनाए करते थे, या फिर अगर थोड़ा चैनल बड़ा हो जाता था तो चुनिंदा पैसा आ जाया करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंटेंट स्पेस इस कदर बढ़ा है, इतना बदल गया है कि मोस्ट यूट्यूबर्स जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास अच्छे तो छोड़ो घर गाड़ी नहीं थे, वो सिर्फ 4-5 साल में इतने अमीर हो गए हैं कि अब बंगले और स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं। आज के कंटेंट क्रिएटर्स कोई मिनी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, उनके पास फेम, पावर और पैसा तीनों है। चाहे गेमिंग हो, रोस्टिंग हो, डेली व्लॉगिंग हो, वाइंस हो, फनी वीडियोस हो, रिएक्शंस हो, इंफोटेनमेंट हो, टेक हो, हर तरह के जॉनर में यूट्यूबर्स अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हाल ही में इन सब जॉनर्स में से एक ऐसा तबका निकल के आया है जिसने अपना कॉन्टेंट ही अपने पैसे की दिखावट बना लिया है। भाई 2 करोड़ का जो प्लाट है, 2 करोड़ रुपए तो ये जोड़ लो, टूर कराएंगे भाई की कोटे का, जो भाई ने यूट्यूब के पैसे तक कमा कमा कैश पैसे कर रहा है। किसी ना किसी तरह से वीडियोस में, थंबनेल्स में, टाइटल्स में, इंट्रोज में पैसा और लग्जरी को दिखाया जाने लगा है। तो हम रहने वाले इंडिया की मोस्ट लग्जरियस एंड मोस्ट एक्सपेंसिव और मोस्ट, सबसे मोस्ट, कितने भी मोस्ट ले, सबसे सुंदर जगह है ये भाई। जहाँ पहले क्रिएटर्स पैसा कितना कमाते थे ये बताने से ऑडियंस को चूकते थे, ऐसे में जो कमाई हुई वो हुई 1 अल्टो के बराबर। इनफैक्ट जो यूट्यूबर्स इस जॉनर में थे भी नहीं, उन्होंने तक पैसों के अराउंड कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वीडियोस में पैसों को इतनी क्रिएटिवली यूज करा जाने लगा। ये है 1,000 रुपए का मिस्ट्री बॉल, 10,000 रुपए का मिस्ट्री बॉल, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और ये है इंडिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री बॉक्स वर्थ रुपीज 25 लाख। एंड ये सब ऐसे नहीं हुआ है, इस सारी क्रिएटिविटी का, पैसे दिखाने का एक डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आया है, लाखों करोड़ों व्यूज। बट इन व्यूज, लाइक, शेयर्स और कमेंट्स के पीछे जो 12, 18, 20 साल के लोग इनको देखते हैं, उन कंटेंट क्रिएटर्स को जिनको किसी कारण से इन्फ्लुएंसर्स बुलाया जाता है, क्या हो जब वो लोग जो तुम्हें तुम्हारी फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से सिर्फ ये महंगी चीजें, लाइफस्टाइल, पैसों के बड़े बड़े नंबर दिखाकर इन्फ्लुएंस करना चाहें, एक्सपेंसिव कार्स, वेकेशंस, एक्सेसरीज, सिर्फ इस इंटेंशन से कि तुम उनको अटेंशन दो और उनको मिले ज्यादा से ज्यादा व्यूज, तो तुम और वो क्रिएटर्स एक ऐसे मायाजाल में फंस जाते हैं जहां पे इस स्लिपरी स्लोप के रिपरकशंस क्या होते हैं वो किसी को समझ नहीं आते। तो नेचुरली सवाल ये आएगा कि इस जॉनर की शुरुआत कैसे हुई, क्यों ऑडियंसेस को ऐसे पैसों वाला कंटेंट देखना पसंद है, क्यों ये क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बनाते रहते हैं, एंड क्यों और कैसे ये पैसों वाला कंटेंट नुकसानदायक बन सकता है, एंड कब तक और किस हद तक क्रिएटर्स ऐसा कंटेंट बनाने के लिए गिर सकते हैं। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए जो चीजें मेरे सामने आई हैं वो तुम्हारा परसेप्शन यूट्यूब के इस एक कोने की तरफ जो बहुत तेजी से फैल रहा है पूरा बदल के रख देंगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए लेके आते रहते हैं, चैनल को बहुत हेल्प मिलती है। ना तुम्हें बताते हैं कि कैसे ये हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले यूट्यूबर्स लाखों करोड़ों की चीजें खरीद पाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं, एंड उसके पीछे तुम्हारा क्या नुकसान छुपा है। आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा इंटेंशन इस वीडियो से किसी भी यूट्यूबर जिसके बारे में हम बात करेंगे, किसी भी तबका ऑफ द सोसाइटी को नीचे दिखाना, बुरा बताना या हार्म करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे कंटेंट के नाम पर, यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के नाम पर, जो पैसों का एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी का और उसे एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने का तरीका कैसे इवॉल्व हुआ है, और ये समझना कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर क्या पड़ता है। काफी समय से यूट्यूब पर हर तरह का कॉन्टेंट मिलता था एक्सेप्ट ये पैसों को ग्लैमर करने वाला, और उसके लिए समझना जरूरी है कि ये पैसों वाला कंटेंट यूट्यूब पर हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि पहले जब यूट्यूबर्स फिगर आउट कर रहे थे कि कैसा कंटेंट बनाना है, ऑडियंस को कैसा कंटेंट पसंद है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग जॉनर निकल के आया, सोशल एक्सपेरिमेंट एंड रिएक्शन वीडियोस का, प्रैंक्स, पिकअप लाइंस, फन इंटरव्यूज, मोरालिटी टेस्ट, सोशल अवेयरनेस, हर तरह के वीडियोस इस जॉनर में आ सकते थे, एंड सबसे बढ़िया बात कि इसको बनाने के लिए आपके पास कोई स्किल होना जरूरी नहीं था। इस वीडियो में आप राह चलते स्ट्रेंजर्स को एक अनएक्सपेक्टेड
सिचुएशन में डालते थे, उनसे अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते थे, एंड ऑडियंस के लिए किक ये था कि वो कैसे जवाब देंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड सिर्फ इंडिया के बाहर कहीं नहीं, इंडिया के खुद बहुत सारे क्रिएटर्स को एक बहुत आसान तरीका मिल गया था यूट्यूब पर पॉपुलर होने का। लेकिन जहां इन सब कैटेगरीज में ऑडियंस का रिएक्शन लेकर, स्ट्रेंजर्स की हरकतें लेकर ऑडियंस एंटरटेन तो हो जाती थी, पर इसमें एक एस्पेक्ट मिसिंग था एंड वो था पैसा। एंड इस कमी को पूरा करा स्ट्रेंजर्स को पैसा देना डोनेशन वाली वीडियोस ने। एंड यहां भी पहले की तरह ही स्ट्रेंजर्स को, बट इन दिस केस गरीब लोगों को एक अनसस्पेक्टिंग सिचुएशन में डाला जाता था। लेकिन उस सिचुएशन में उनके साथ प्रैंक, उठपटांग, सवाल की जगह उनकी मदद करी जाती थी। ये लो, भगवान ने भेजा मुझे आपके लिए। जैसे ये है एक्टर वरुण पृथ्वी, 9 से 10 साल पहले वरुण ऐसी जेनरोसिटी वाली वीडियोस बनाया करते थे जहां वो गरीब लोग, रिक्शा वाले, मजदूरों, इन सबको पैसे दान में देते थे। 5 साल का बच्चा भूखा था, इस वीडियो के 10 मिलियन व्यूज हैं। इस वीडियो में वरुण एक गरीब बच्चे को मैकडॉनल्ड्स का खाना खिलाते हैं और बाद में उसे 300 रुपए के पेंस खरीद लेते हैं। इस वीडियो के 4.6 मिलियन व्यूज हैं और इसमें वरुण रिक्शे वाले और बाकी गरीब लोगों को 1000 रुपए दान में देते हैं। और इसमें कुछ बुरा नहीं है, आज भी तुम जाके देखोगे तो कमेंट्स में लोगों को वरुण के प्रति अप्रिसिएशन और दुआएं ही मिलती हैं। वरुण के जैसे और भी बहुत लोग थे जो ऐसा अच्छा कंटेंट YouTube पर शेयर करते थे। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय में ऐसा कंटेंट बनाने वालों की तादाद बहुत जल्दी से बढ़ गई, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया में। एंड उसका कारण, सबसे बड़ा रीजन बना दुनिया का नंबर वन यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट। जिमी डोनाल्डसन एके मिस्टर बीस्ट 2012 से कंटेंट बना रहा है। काफी समय तक ही वो फिगरिंग आउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट टू मेक बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद आइडियाज। शुरुआत में वीडियोस थी उसकी गेमिंग के बारे में। एंड जिमी की किस्मत तब बदली जब उसने ये वीडियो अपलोड करी। दिस इज नॉट क्लिकबेट, आई एम गोइंग टू गिव अ रैंडम होमलेस गाय $10,000 टुडे। इट्स अबाउट $10,000, I'm not joking. बहुत पॉपुलर कहानी है यूट्यूब पर कि जिमी को एक स्पॉन्सर $5,000 ऑफर कर रहे थे, लेकिन जिमी ने 3 घंटे लगाकर स्पॉन्सर को 10,000 देने के लिए कन्विंस कर लिया, ये कहते हुए कि उसकी गारंटी है कि वीडियो वायरल होगी। I was offered 5 grand for video. I was like, double it. It's like pacing around my neighborhood for 3 hours convincing this guy, like on the phone, just double the money. I promise the video will go viral. और वीडियो वायरल हो भी गई। बहुत लोगों के एक्सट्रीम रिएक्शंस जिमी को मिले क्योंकि it seems unreasonable कि कोई randomly किसी को $10,000 दे देगा। But जिमी को सिर्फ वायरलिटी ही नहीं मिली, साथ में मिली लोगों की अप्रिसिएशन। उसके अलावा पिज्जा डिलीवरी गाय, वेटरेस, उबर ड्राइवर को भी जिमी ने $10,000-$20,000 दिए। एंड वो वहां रुके नहीं, वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते ही जिमी को समझ आने लगा कि सोशल एक्सपेरिमेंट, रिएक्शन वीडियोस में मनी को कैसे इन्फ्यूज करा जा सकता है। चैलेंजेस जिसमें आप पैसा जीतोगे, गेम, कॉन्टेस्ट, डोनेशन, सब करे, बट द गोल रिमेन द सेम। ऑडियंस को ये बताना कि पैसे को इंक्लूड करके आप लोगों से कैसे अलग अलग रिएक्शन, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रोने वाले, कुछ हंसने वाले निकाल सकते हो। और ये आइडियाज फिर सिर्फ जिमी तक ही सीमित नहीं रह गए। वेस्ट में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स, थंबनेल्स, टाइटल्स उठाकर जिमी की वीडियो रेप्लिकेट करने शुरू कर दी। एंड अब जब कॉपी पेस्ट की बात चली रही है तो इंडिया कहां पीछे रहने वाला था। जैसे ये चैनल मैड ब्रदर, जो पहले गजिलियंस के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने कंटेंट के अलावा थंबनेल भी कॉपी करा, बट चलो वहां तक भी चलता है। हैरानी की बात तो तब हुई जब इन्होंने उसमें अपना एफर्ट भी नहीं डाला रेप्लिकेट करने में, सिर्फ जिमी और उसके दोस्तों के चेहरे हटाकर अपने चेहरे लगा दिए। They didn't even change the bodies. They just moved their heads onto their bodies. लेकिन इंडिया में मिस्टर बीस्ट कॉपी के नाम से अगर किसी को ट्रोल करा जाता है या फिर कॉपिंग में सबसे आगे माना जाता है तो वो है फुकरा इंसान। इतना पैसा है फुकरा भाई के पास कि इनको इंडियन मिस्टर बीस्ट बोलते और चड्डी खोलते। फुकरा इंसान इज अ यूट्यूबर हु इज अ पायरेटेड कॉपी ऑफ मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट अपने सबसे खराब टाइम में भी ये सब नहीं करेगा। फुकरा इंसान चैनल का कंटेंट काफी हद तक मिस्टर बीस्ट से उठाया गया है और इंडिया में ये जॉनर पॉपुलराइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अभिषेक मलान या फिर फुकरा इंसान, जो ट्रिगर्ड इंसान के भाई के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको अपने पॉपुलर यूट्यूबर भाई के होने का बहुत फायदा मिला क्योंकि इनिशियल ट्रिगर्ड इंसान से आ गए। तुम उसके चैनल पर जाकर देखोगे भी तो उसकी पहली वीडियो उन्होंने सस्ते और महंगे पानी को कंपेयर करते हुए बनाई थी। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो वाटर कंपैरिजन कर रहा था, उस पे कम से कम 25-30 मिलियन व्यूज थे। मैं कहा ये तो मैं भी कर सकता हूं, करना ही क्या इसमें, पानी तो कंपेयर करना है। मैं कहा पहली वीडियो तो मेरी यही है। लेकिन बाहर के क्रिएटर्स को देखकर अभिषेक ने इंडिया में भी सोशल रिएक्शन कैटेगरी में एक जगह ढूंढ ली और पैसों को इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया। ट्रेजर हंट, पुअर वर्सेस एक्सपेंसिव के कंपैरिजन, मिस्ट्री बॉक्सेस, चैलेंजेस, गेम शोज और बहुत
कुछ। सब वीडियोस में व्यूअर को एंगेज रखने के लिए, उनकी रिटेंशन बढ़ाने के लिए मिस्टर बीस की तरह ही फास्ट पेस एडिटिंग रखी जाती थी, जोर जोर से चीख चिल्लाया जाता था, टाइटल और थंबनेल में बड़ी बड़ी रकम दिखाई जाती थी, एंड उनके लिए भी इट वर्क्ड सक्सेसफुली द सेम वे इट डिड फॉर मिस्टर बीस्ट। एंड फुकरा इंसान ही नहीं, मिस्टर इंडियन हैकर, क्रेजी एक्स वाई जी, निशु तिवारी, आदर्श सिंह, बहुत सारे इंडिया के क्रिएटर्स ने सिमिलर कॉन्टेंट को, आइडियाज को कॉपी और रेप्लिकेट करके यूट्यूब पर सक्सेस ले लिया। लेकिन अभिषेक को जब ट्रोल करा जाता है या उनसे सवाल किया जाता है कि उन्होंने अपना कंटेंट करियर, अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ मिस्टर बीस्ट के आइडियाज कॉपी करते हुए बना लिए, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है, तू लोगन पॉल को कॉपी कर रहा है या तू मिस्टर बीस्ट को कॉपी कर रहा है, दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी। मैंने उनको देख देख के, मैं उनके आइडियाज को इंस्पायर होके कॉपी कर करके ही इस लेवल पे पहुंचा। एंड वैलिड क्रिटिसिज्म मिलता है कि रेप्लिकेट करके कंटेंट की क्वालिटी बहुत घटा दी, लेकिन कहीं हद तक हो सकता है अभिषेक सही हो कि क्या ही बुरा है कॉपी करने में, क्योंकि अनसरप्राइजिंगली सिर्फ ये जॉनर नहीं है जो इंडियन यूट्यूबर्स ने कॉपी करके सक्सेस ले लिया है। हर एक क्रिएटिव जॉनर जैसे गेमिंग, रोस्टिंग, स्टैंड अप कॉमेडी कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है या फिर उठाई गई है। तो अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम तभी क्यों आती है जब इस कॉपीड कंटेंट में पैसा इन्वॉल्वड हो, एंड क्यों जब मिस्टर बीस्ट जो इस कंटेंट स्टाइल के पायनियर थे उसने तक अपना कंटेंट स्टाइल चेंज करके स्टोरी टेलिंग ड्रिवन कर लिया है, और कैसे इस कंटेंट ने इंडियन क्रिएटर्स को और इंडियन ऑडियंस को एक ऐसी विशियस साइकिल में फंसा दिया है जिसका कोई अंत नहीं है। YouTube पर पैसा दिखाकर कोई कितनी जल्दी मेनस्ट्रीम में रेलेवेंट हो सकता है, उसका मिस्टर रैंडम से अच्छा एग्जांपल नहीं है। मिस्टर रैंडम जिसने अपना चैनल 2020 में बनाया था, सिर्फ कुछ ही समय में 0 से 4 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया था, और उसकी सक्सेस का कारण मिस्टर बीस्ट का स्ट्रीम डोनेशन कॉन्सेप्ट इंडिया में रेप्लिकेट करना। मिस्टर रैंडम ने 10,000 से लेकर लाखों रुपए यूट्यूब स्ट्रीमर्स को डोनेट कर दिए गए थे, जिसकी वजह से उनको यूट्यूब इंडिया का अंबानी बुलाया जाने लगा था। मैं आपको ये अंबानी का यूट्यूब अकाउंट मालूम है क्या है, मिस्टर रैंडम, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन ऑडियंस के लिए सुपर चैट पर इतने पैसों का डोनेशन देखना बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब लोगों को पता चला कि मिस्टर रैंडम की पैसे डोनेट करने के अलावा उस समय और कोई इंटरेस्टिंग यूट्यूबर पर्सनालिटी है ही नहीं, तो उन्होंने उनकी वीडियोस देखना बंद कर दिया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी यही है कि मिस्टर रैंडम ने यूट्यूबर्स को, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बहुत सारे पैसे डोनेट कर अपने लिए एक रेलेवेंट यूट्यूब चैनल खड़ा कर दिया। उनका नाम सब जानते थे, लोग उम्मीद करते थे कि वो उनकी स्ट्रीम पर आकर पैसे डोनेट करें, एंड वो शुरुआत थी उस फेज की जब यूट्यूब पर पैसा दिखाकर लोग रेलेवेंट बन जाते थे। आज तुम देखते हो इंडिया के बहुत सारे व्लॉगर्स, गेमर्स जैसे गेमर फ्लीट्स और जोशी, UK07, और बहुत सारे लोग जो महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, महंगे घर खरीदते हैं, उसके ऊपर 10-10 वीडियोस बनाकर मिलियंस ऑफ व्यूज मिल करते हैं, एंड जब ये यूट्यूबर्स अपना पैसा दिखाकर लोगों के सामने एक पेडेस्टल पर चढ़ जाते हैं, अपना पैसा डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो ये उस ऑडियंस के लिए भगवान बन जाते हैं, एंड ये कोई मजाक नहीं है। ये है हर्ष साई, जिसको इंटरनेट पर लोग रियल लाइफ रजनीकांत या इंडियन मिस्टर बीस के नाम से बुलाते हैं। हर्षा साई को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और किसी भी साउथ के हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर्षा का पूरा परसोना उसको एक फिलैंथ्रोपिस्ट, गरीब लोगों की मदद करने वाला एक दानवीर इंसान बनाने में लगा हुआ है। जो भी कमाई हर्षा अपने यूट्यूब से करता है वो लोगों की हेल्प में लगा देता है, जिसके बदले में वो बस इतना चाहता है कि लोग उसको सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो को लाइक करें, ताकि वो और काबिल बन सके लोगों की मदद करने के लिए। एंड जब तुम इंटरनेट पर हर्ष जैसे लोग देखते हो, तो सवाल इस बात पर नहीं उठता कि क्या वो सच में डोनेट कर रहा है या नहीं, बल्कि उस इंटेंट पर उठता है कि क्या वो डोनेशन लोगों की अच्छाई के लिए हो रहा है या अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए। क्योंकि सिर्फ अपनी फिलैंथ्रोपी साइड दिखाकर तो पुनीत सुपरस्टार ने भी अपनी जोकर वाली इमेज को रीइन्वेंट कर लिया था। चाहे वो कितना भी क्रिंज कर लेता, लेकिन लोग उसकी इज्जत तब भी करते थे क्योंकि वो गरीबों को खाना देता था। अगर तुम फिलैंथ्रोपी की, लोगों की हेल्प करने की डेफिनेशन को समझोगे, तो उसको एक सेल्फलेस एक्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। लेकिन इसी फिलैंथ्रोपी को कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरह यूज करके इन क्रिएटर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है खुद के लिए एक अलग टाइप का वैल्यू जनरेट करना। जैसे अगर एक्टर वरुण पृथ्वी को ही ले ले, तो हर वीडियो में उसका इंटेंशन खुद को अच्छा दिखाने का होता है। इमोशनल म्यूजिक डालकर, गरीब लोगों को इमोशनल एक्सप्रेशंस दिखाकर, उन वीडियोस में वरुण पृथ्वी को एज अ जेनरस फिगर तो दिखा ही दिया जाता है। जैसे हर्षा साई की इस वीडियो में उसने एक गरीब बच्चे को साइकिल दिलवाई, लेकिन रिएक्शन लेने के लिए उसके मुंह पर ही कैमरा रख दिया। यहाँ तक बात नहीं बनती तो उसके घर ही चला जाता है उसकी मम्मी का रिएक्शन कैप्चर करने के लिए। इस वीडियो में उसने बहुत सारे गरीब लोगों को 5-star होटल में खाना खिलाया, क्योंकि उसका मानना था कि गरीब का भी हक बनता है
अच्छी जगह खाना खाए। इसके लिए हर्षा ने अच्छे से वीडियो में दिखाया कि कैसे उसने अरेंजमेंट्स करी, कैसे बुलाया गया गरीब लोगों को और क्या रिएक्शंस थे उनके खाना खाने के बाद। लेकिन ये सिर्फ एक ही दिन हो पाता है जो उसके अच्छे इंटेंट से ज्यादा अच्छे कंटेंट की खोज को जाया करती है। गरीबों को पैसे दान देना, फ्री पेट्रोल देना, सब्सक्राइबर्स को पैसे का लालच देना, शर्त एक ही है कि वो हमारे चैनल के सच्चे सब्सक्राइबर हों। सच्चे सब्सक्राइबर का मतलब वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे कम से कम 10 वीडियोस को पूरी तरह देखा हो। एंड ये बहुत प्रॉब्लमेटिक क्यों है उसकी बात करेंगे, लेकिन जब तुम सुनते हो मिस्टर बीस्ट को जो खुद इस कंटेंट से हजारों लाखों करोड़ों व्यूज और पैसे ले चुका है कि ये बहुत ग्रे एरिया होता है जहां पुअर लोगों को, गरीब लोगों को कंटेंट के लिए यूज करके फिलैंथ्रोपी करी जाती है। I'm feeding people and trying to help people. Also, in my eyes, it's also a little hypocritical as well. But if I don't give it to you, I don't have a viral video. So you're using me for views? Yes, but you get money too. And मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल है कि इसका एक नजरिया ये भी तो हो सकता है कि अगर ज्यादा लोगों का भला नहीं हो रहा है तो कम से कम इतने लाखों करोड़ों लोग इसको देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे भला करने के लिए। मगर असली प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको देखकर फिलैंथ्रोपी करने के लिए इंस्पायर नहीं होते, फिलैंथ्रोपी को एंटरटेनमेंट की तरह यूज करने के लिए होते हैं। बहुत सारे यूट्यूब एग्जांपल्स हैं इस पे, जैसे डम टीवी डोनेशन और चैरिटी पर इसलिए ही कंटेंट बनाते हैं क्योंकि उन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। एंड इस तरह के कंटेंट से जनता पर, व्यूअर्स पर किस तरह से नुकसान होता है इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि चलो फिलैंथ्रोपी से कुछ लोगों का तो भला होता है, लेकिन इसी पैसों से रिलेटेड कंटेंट के नाम पर यूट्यूब पर ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं जिससे जनता का डायरेक्ट नुकसान होता है। एंड इसमें मेरा फेवरेट एग्जांपल है मिस्ट्री बॉक्स कंटेंट। आज हमारे पास में हाई बॉक्स की तरफ से आ चुके हैं 100 मिस्ट्री बॉक्सेस। आज की वीडियो में मेरे पास है 100 मिस्ट्री बॉक्सेस। हम लोग खोलने वाले हैं 1 रुपए से लेके 1 लाख तक के मिस्ट्री बॉक्सेस। आई ये सारे के सारे मिस्ट्री बॉक्स ना BTS थीम में। मैं लेकर आ चुका हूँ $1000 का मिस्ट्री बॉक्स। हाल ही के कुछ महीनों में जो क्रिएटर्स एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट बनाते हैं, चाहे वो व्लॉग्स हो, गेमिंग हो, रिएक्शन वीडियोज हो, उन सबको तुमने मिस्ट्री बॉक्स के अराउंड कॉन्टेंट प्रमोट करते हुए या बनाते हुए देखा होगा, क्योंकि इस कॉन्टेंट पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है वो तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम जानोगे कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस अक्सर टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स होते हैं। मिस्ट्री बॉक्सेस जो बाहर के यूट्यूब से पॉपुलर होकर इंडिया में कॉपी करे गए, रेप्लिकेट करे गए, इस बेसिस पर चलते हैं कि आप एक मिस्ट्री बॉक्स खरीदोगे और उस बॉक्स में बेस्ड ऑन कितने पैसों का मिस्ट्री बॉक्स आपने खरीदा है आपको कुछ आइटम मिलेगा। एंड आपको ये नहीं पता कि आपने जितने पैसे दिए हैं उससे कम का मिलेगा, ज्यादा का मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा का मिलेगा। एंड ये ही वीडियो की इंट्रीग होती है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप उस 12 से 20 साल की ऑडियंस को ये कंटेंट दिखाते हो बिना उन्हें ये बताए कि ये बहुत अकिन है गैम्बलिंग के, क्योंकि जब वो उस वीडियो के मिस्ट्री बॉक्स स्पॉन्सर की वेबसाइट जाके मिस्ट्री बॉक्स खरीदेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि उन्हें क्या मिलेगा। लेकिन जब एक कंटेंट क्रिएटर अपनी मिस्ट्री बॉक्स को खोलेगा तो उसमें हमेशा एक ल्यूक्रेटिव आइटम निकलेगा। महंगे से महंगे मिस्ट्री बॉक्स कंपनी यूट्यूबर्स को बेचती है जिसको बड़े बड़े नंबर्स में टाइटल्स, थंबनेल्स और वीडियोस में दिखाया जाता है। इसका तो लगता है टाइटल लिखते वक्त कीबोर्ड पर 0 अटका ही रह गया था। एंड ये ज्यादा दिखाया जाता है कि उन्हें मिस्ट्री बॉक्स में PS5, TV, MacBook और यहां तक कि बाइक भी मिली है। एंड be surprised when you realize कि unlike gambling, mystery box के rigged होने के chances और भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि सारी companies जो mystery box बनाती हैं, private companies होती हैं। उनकी कोई responsibility नहीं होती है कि तुम्हें एक lucrative item दिया जाए। जो लोग थोड़े उम्र में बड़े हैं उन्हें याद होगा कि ऐसे ही लक्स ने एक टाइम पे एक कैंपेन चलाया था जो सेलिब्रिटीज के द्वारा मार्केट करा गया था कि आपके पास चांस है साबुन की टिक्की में एक सोने का सिक्का जीतने का। वही कुछ मिस्ट्री बॉक्स कंपनीज जैसे हाई बॉक्स तो ये तक क्लेम करती हैं कि अगर आपको मिस्ट्री बॉक्स पसंद नहीं आया तो आप उसको रीसेल करके प्रॉफिट तक कमा सकते हो। बट असली कहानी तो तब सामने आती है जब तुम उनके रिव्यूज में जाते हो और ऐसी स्टोरीज देखने के लिए मिलती हैं जहां लोग बता रहे हैं कि वो पैसे वापस विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, हाई बॉक्स की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड साफ सीधे शब्दों में यूट्यूबर्स के महंगे लाखों के मिस्ट्री बॉक्स प्रमोट करने से डायरेक्ट उनकी ऑडियंस का रियल पैसों का नुकसान हो रहा है। और इसी के चलते यूट्यूबर्स को भी क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है जब वो पैसों के चैलेंजेस लेते हैं और शेडी स्पॉन्सर्स देते हैं, क्योंकि अक्सर जो भी यूट्यूबर्स मनी प्राइजेस या गेम चैलेंजेस के अराउंड वीडियोस बनाते हैं उनको स्पॉन्सर करा जाता है। बट सैडली इन चैलेंजेस और इन वीडियोस में अक्सर तुम्हें बेटिंग एप्स के स्पॉन्सर मिलते हैं। जैसे फुकरा इंसान की गेमिंग चैलेंजेस वीडियोस में अक्सर तुम्हें 1xBet नाम का स्पॉन्सर मिलेगा, जो एज ऑफ मी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंडिया के अंदर एक लीगल बेटिंग कंपनी है जो
इंडिया के अलावा और काफी कंट्रीज में एक टाइम पर इलीगल भी हुआ करती थी। एंड कंसीडरिंग इन क्रिएटर्स की ऑडियंस अक्सर 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, ऐसे में अगर वो इन्फ्लुएंस होते हैं बेटिंग की तरफ बिना ये समझे कि उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ना सिर्फ उनका एक फैसिनेशन बढ़ेगा गैम्बलिंग और बेटिंग की दुनिया से, पर जिस उम्र में उनके फंडामेंटल्स टूवर्ड्स मनी अच्छे होने चाहिए वो तहस नहस हो जाएंगे। इसके अलावा ज्यादातर मनी रिलेटेड कंटेंट जो बच्चों के लिए बनाया जाता है इन चैनल्स पर देखने को मिलता है, उसको आप कैटेगराइज कर सकते हो अंडर ब्रेन रॉट कंटेंट, जैसे महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, कंप्यूटर्स, एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल देखकर बच्चों को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की वैल्यू करने की सीख मिलती है। एंड इस केस में एक बहुत क्रूशियल एग्जांपल है सौरभ जोशी का, जहां वो खुद परेशान है कि बच्चे उसकी महंगी गाड़ी और नया घर बनते हुए देखकर अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं और पढ़ाई छोड़कर व्लॉगिंग सीखने को कह रहे हैं। काफी बच्चे आते हैं, यूथ आते हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं साथ में, वो बोलते हैं कि हमारे बच्चों को भी यही करना है, हमारे बच्चों को भी सुपर कार चाहिए, उनको भी घर बनाना है, और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते। इस उम्मीद में कि सौरभ जोशी की तरह व्लॉग्स बनाकर उन्हें भी वो लाइफस्टाइल जीने का मौका मिलेगा जो सौरभ अपनी वीडियोस में दिखाता है। एंड ये तो फिर भी पैसों तक की बात है, इसके अलावा यूट्यूबर्स और बहुत तरीके का कंटेंट बाहर से कॉपी कर दिखाते हैं जो इंडिया की यंग ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा ब्रेन रॉटिंग है, जैसे साइडमैन का क्विक डेटिंग, पिकअप लाइंस, ओमेगल चैलेंजेस, गोल्ड रिगिंग प्रैंक्स, ऐसा कंटेंट जो ज्यादातर इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी के ज़ाइटगाइस में है भी नहीं, वो अक्सर तुम्हें यूट्यूब पर देखने को मिलता है। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि तुम बाहर के कॉन्सेप्ट को कॉपी कर जो शॉक वैल्यू इंडियन ऑडियंस में क्रिएट करोगे वो शायद तुम्हें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर रेलेवेंट रखेगा। एंड फाइनली फिर सवाल ये आता है कि क्यों ये क्रिएटर्स अपना ये कंटेंट बदल नहीं सकते, क्यों उनके पास और कोई चारा नहीं है, क्यों वो इस पैसे वाले कंटेंट की साइकिल में फंस चुके हैं, और ऑडियंस के लिए कितना खराब हो सकता है ये कंटेंट क्रिएटर्स का पैसों को ग्लैमराइज करने का इन्फ्लुएंस, क्यों ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रैबिट होल है, ये जानने के लिए हमें दोनों क्रिएटर्स और ऑडियंसेस के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। हर नीश में सोशल मीडिया पर रेलेवेंट लेने के लिए हजारों लाखों लोग कम्पीट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा व्यूज, लाइक्स, शेयर्स और अटेंशन के लिए, और उसको पाने के लिए उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, ऑडियंस को बेहतर चीजें ऑफर करना लाजमी है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेलेवेंस इज देयर बेसिक नेसेसिटी, और इसके लिए क्रिएटर्स मेहनत करते हैं, अपना खुद का पैसा तक लगाते हैं। जैसे फुकरा इंसान ने अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स में 30 से 35 लाख रुपए तक लगा रखे हैं, उसमें 35 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थे। बट प्रॉब्लम तब आती है जब इस रेलेवेंस के चक्कर में, ऑडियंसेस को बेहतर चीजों के चक्कर में, जब आप ये पैसों के नंबर्स को घुसा देते हो, तो ना सिर्फ आपको अपनी ऑडियंसेस को महंगी चीजें, ज्यादा पैसों वाली चीजें दिखानी है, पर आपको हर उस क्रिएटर को, कॉम्पिटिटर को बीट करना है जो सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अपने टाइटल, वीडियोस, थंबनेल्स और कॉन्टेंट में बड़े बड़े नंबर डाल रहा है। जैसे अगर पहली बार मिस्टर रैंडम ने किसी को 1,000 रुपए डोनेट करे थे, तो अगली बार अगर वो 2,000, 5,000, 10,000 नहीं करेगा तो वो इंटरेस्टिंग नहीं है, एंड पता भी नहीं चलेगा कब ये नंबर 1,000 से 10,000, 50,000, 1,00,000 बन जाता है, क्योंकि असल में तो मिस्टर रैंडम ने 8.5 लाख रुपए डोनेट करे थे एक स्ट्रीम में, उसी रेलेवेंस को चेस करने के चक्कर में। मिस्टर रैंडम ने मिथपैट की चैरिटी स्ट्रीम में डोनेट किए हैं 8.5 लाख रुपए, लेकिन अगली बार जब तक वो अपने स्टेक्स को बढ़ाकर 10 लाख नहीं करेगा तो उसके व्यूअर्स को वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा जो पिछली बार देखने को मिला था। वहीं यूट्यूबर्स खुद का स्टेटस फेक करने की भी कोशिश करते हैं, जैसे जब UK07 को लेकर मैक्सटन ने पॉडकास्ट पर बताया था कि जो भी गाड़ियां दुबई से मंगाते हैं वो रेंट करी गई हैं, जिनको UK07 अपनी ऑडियंस को ये बताकर दिखाता था कि मैंने खरीद ली है। जो दुबई से आप गाड़ी लाते हो, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, दुबई का गाड़ी अगर आपको लानी है इंडिया तो एक कार्नेट बनता है, कार्नेट इज लाइक पासपोर्ट फॉर व्हीकल, तो कार्नेट में जो मैक्सिमम परमिशन होती है दुबई की गाड़ी को इंडिया में, वो 6 महीने की होती है, 6 महीने के बाद आपको वो गाड़ी वापस करनी होती है। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। दिस इज ट्रू फॉर ऑल मनी रिलेटेड क्रिएटर्स, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, गेम्स कर रहे हैं, मिस्ट्री बॉक्सेस कर रहे हैं, कोई अपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है कि उनको अपने टाइटल में कितना पैसा डालना है, जस्ट बिकॉज वो चेस कर रहे हैं वो रेलेवेंस। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस रेलेवेंस को पाने के चक्कर में क्रिएटर्स ये भूल जाते हैं कि उनको देखने वाला इंसान कौन है। जैसे जब हम हर्षा साई की बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि वो कैसे गरीब लोगों की मदद करता है। उनकी वीडियो में एक लेडी ने कमेंट करके बताया था कि कैसे उनके नाम पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और कैसे उन्हीं स्कैम्स का शिकार उनकी मेड हो गई थी
जिनको 27,000 रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। उसके अलावा ये एंटरटेनमेंट वाले चैलेंजेस भी किस हद तक जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, स्पेशली जानते हुए कि उनके देखने वाले ज्यादातर लोग बच्चे हैं। जैसे ये वीडियो जिसमें इन्होंने अडल्ट प्रोडक्ट्स जो ऑनलाइन मिलते हैं उनको मंगा कर रिव्यू करा, जिसमें एक सेक्स टॉय भी था जिसको ब्लर करके दिखाया गया था टू एन ऑडियंस दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ यंग अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर मैं खुद को एक बार कॉन्टेंट क्रिएटर ना समझकर ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचूं और तुम्हें सोचने को मजबूर करूं इस बारे में कि ये कंटेंट जो बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, लाखों करोड़ों लोगों द्वारा कंज्यूम करा जा रहा है, तो खुद तो क्या मैं अपने छोटे भाई बहन अपने कजन्स को भी दिखाना पसंद नहीं करूंगा कि वो क्विक डेटिंग पिकअप लाइंस मनी चैलेंजेस जैसा ब्रेन रॉटिंग कॉन्टेंट देखें एंटरटेनमेंट के नाम पर। बट सैडली जो मैं करना चाहता हूँ या जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो और लोगों का नहीं है, क्योंकि तभी इन सारे क्रिएटर्स को लाखों करोड़ों में व्यूज मिलते हैं, इनकी लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग है और ये अपनी हर वीडियो के साथ अपना वो पैसों वाला नंबर बढ़ाते जा रहे हैं। तो फिर क्या समाधान है इसका? जहां कंटेंट क्रिएटर्स खुद को रेलेवेंट रखने की लड़ाई में अपना कंटेंट नहीं बदल सकते एंड ऑडियंस अपने आप को देखने से इस कंटेंट को रोक नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि बाहर जहां ये कंटेंट सैचुरेट हो चुका है, इंडिया में तो अभी इसकी शुरुआत हुई है। एंड समझना जरूरी यह है कि इस वीडियो में जिन क्रिएटर्स की बात हमने करी है उनकी इंडिविजुअलिटी को क्रिटिसाइज नहीं करा गया है, पर उन आइडियाज को, उन कॉन्सेप्ट्स को जो वो एग्जीक्यूट करते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, उस पर सवाल उठाए गए हैं। क्योंकि ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां ये सेम क्रिएटर जो ऐसा ब्रेन रॉटिंग कंटेंट बना रहे हैं उन्होंने इंटरेस्टिंग आइडियाज पर भी सक्सेसफुल कंटेंट बनाया है। जैसे फुकराए इंसान की बिजनेस वाली सीरीज जिसमें वो अलग अलग बिजनेस ट्राई करके ऑडियंस को आइडिया देते हैं, वैसे ही हर्षा साई की वीडियो जिसमें उन्होंने लोगों के घर और बिजनेस रिवैम्प करे हैं, जो कि सिर्फ एक दिन के लिए किसी गरीब की हेल्प करके उसको बहुत सारा पैसा देके उसका एक दिन बदलने का काम नहीं करेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स चेंज करके उनको फायदा देगा। लेकिन द लीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्रिएटर्स इज कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि वो अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं, उनको सारे रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छाई बुराई बता रहे हैं जिस भी तरीके की वीडियोस वो बना रहे हो। और उसके लिए अपने चैनल पर ये वीडियोस बनाना या ना बनाना एक इकलौता सलूशन नहीं है, और चैनल्स के थ्रू पॉडकास्ट, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ऐसे बहुत तरीके हैं जहां अपनी ऑडियंस को रीच आउट करके इस गलत इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम कर सकते हैं। बट इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब तक ऑडियंस इस कंटेंट को वैसे ही कंज्यूम करती रहेगी जैसा वो अभी कर रहे हैं, तो क्रिएटर के पास भी कोई इंसेंटिव नहीं आएगा इस साइकिल में बदलाव लाने का। एंड यही था पर्पस इस वीडियो को बनाने का, कि तुम्हें अवेयरनेस हो कि कैसे पैसे को यूज करके, ग्लैमराइज करके, एक झूठ दिखाकर कई मायनों में तुम्हें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। अगर तुम्हें बात समझ आई है या फिर तुम मेरी बात से अग्री या डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर तुम यहां तक आ गए तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतना ही पसंद आएगा। इनफैक्ट यहां पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप डाइव्स की जो हमारे तुम्हारे लेके आते रहते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।